अयोध्या जी में भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए बंदोबस्त की तैयारियां आपने देखी। हमारे सभी संत महात्मा बहुत ही प्रसन्न हैं। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं भी बढ़िया है और सुचारू रूप से यहाँ पर बढ़िया प्रोग्राम की तैयारी चल रही है और सभी महात्मा अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। और हम अभी अपने अपने सभी विस्तार की ओर से, पंचक्रोशी की ओर से, या भगवान श्री राम लला जी को जरूर सबके प्रणाम पहुंचाएंगे। हम दर्शन कर रहे हैं माँ सरयू के श्री अयोध्या धाम से। हम देख रहे हैं कि कितना निर्मल जल है और माँ सरयू भी बहुत प्रसन्न है। श्री अयोध्या धाम में सारी तैयारियाँ यहाँ पर जोर शोर से चल रही है, जिसके हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। हमें कार सेवक मिले श्री अयोध्या जी में, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही जो कोठारी बंधुओं की थी। उन्होंने कहा, रुद्रमणि त्रिपाठी जी करके थे, उन्होंने कहा कि ये कोठारी जिन्होंने अपना बलिदान श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया था, तो वो दोनों भाई थे, तो पहले छोटे भाई को गोली लगी जब वो यहाँ पर कार सेवा में थे। तो बड़े भाई ने सोचा कि अरे आप तो छोटे थे, आपके कंधे पे मैंने जाना था, तो अब हम भी जी कर क्या करेंगे, अब तो श्री राम जी के लिए बलिदान देना है। तो उन्होंने भी अपने छाती पे गोली झेली है और दोनों भाई एक साथ शहीद हुए। दोनों ने अपनी आहुति दी श्री राम मंदिर निर्माण के लिए। यहाँ जब से हम पधारे, नई नई कहानियाँ यहाँ पर सुनने मिल रही है। छाती से छाती लगाकर दोनों भाई गले मिलते हुए श्री राम जी के लिए और अयोध्या धाम के लिए, सनातन धर्म के लिए अपनी आहुति दे देते हैं, तब जाके सनातन संस्कृति की रक्षा होती है, तब जाके 22 जनवरी 2024 का दिन उगता है। तो आए हम जिन्होंने बलिदान दिया है उनको स्मरण करें, उनको अभिवादन करें और हृदय से उनको प्रणाम करें। आज पूरा विश्व दिवाली मना रहा है और ये दिवाली इन बलिदान की वजह से हम मना पा रहे। आए उनको प्रणाम करें, श्रद्धा सुमन अर्पण करें।